सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। रिमझिम पुहारों के बीच जिले के पुलिस लाइन में शान से लहरा तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पुलिस लाइन स्टेडियम में मुख्य राजकीय समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने सबसे पहले विभिन्न प्लाटूनों द्वारा प्रस्तुत परेड की सलामी ली, जिसके उपरांत आयुक्त श्री चौधरी ने ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। इस दौरान परमंडलवासियों को संबोधित करते हुए परमंडल में चल रहे विकास कार्यों से लोगों को अवगत कराया। साथ ही पलामू में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया। मौके पर उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त समेत जिले के सभी अधिकारी लगभग उपस्थित थे। समारोह के तहत पुरस्कृत होने वालों में रामगढ़ के थाना प्रभारी प्रभात रंजन राय, रंजीत कुमार, शहर थाना के टीओपी वन प्रभारी रेवा शंकर राणा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेस्लीगंज के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजीव नयन, लेस्लीगंज के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कुंदरी की सीएचओ अनुराधा कुमारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किशुनपुर पाटन की एएनए मुन्नी कुमारी को पुरस्कृत किया गया। वहीं मैट्रिक परीक्षा 2022 में पलामू जिला में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली राजकीय कृत बालिका उच्च विद्यालय हरिहरगंज की छात्रा रिया कुमारी, इंटरमीडिएट कला परीक्षा 2022 में पलामू जिला में प्रथम स्थान लाने के लिए राजकीय कृत बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय हुसैनाबाद की छात्रा राखी मेहता, इंटरमीडिएट विज्ञान परीक्षा में प्रथम स्थान लाने वाले बीएस इंटर कॉलेज कुंवर बांध पाटन के नीरज कुमार मेहता एवं इंटरमीडिएट वाणिज्य परीक्षा में प्रथम स्थान लाने वाले राजकीय कृत गिरवर इंटर विद्यालय मेदिनीनगर की प्रिया कुमारी, साथ ही चतुर्थ भारतीय जैवलिन थ्रो खुली प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय चैंपियन खिलाड़ी हेमंत कुमार एवं 2500 किलोमीटर साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाले मेदिनीनगर के कुमार सुतत्व रिजू को सम्मानित किया गया। वहीं मेदिनीनगर नगर निगम के नगर मिशन प्रबंधक संतोष कुमार को भी इस दौरान सम्मानित किया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान पूरा पुलिस स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। साथ ही वंदे मातरम व भारत माता की जय घोष से पूरा वातावरण गुंजयमान हो रहा था। इस दौरान परेड में शामिल विभिन्न प्लाटूनों, पुलिस के जवानों व स्कूल के एनसीसी छात्रों को भी सम्मानित किया गया। Bye.
के मुख्य अतिथि बनाई और ठोस आसूचना संकलित कर रामगढ़ भूटार आदि जंगली क्षेत्रों में उग्रवादी की गतिविधियों के लिए पुरस्कार करने के लिए चयनित किया है, जिसकी उद्घोषण कमलों से सम्मानित किया जा रहा है। प्रभात रंजन राय थाना प्रभारी राम काफी सहयोग किया है इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए। यहाँ मुख्य मंच पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां आप सबकी होनी चाहिए। इन्हें भी भारत सरकार ने वीरता पद से पुरस्कार करने के लिए बनाया। इसके लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां इसके साथ ही हम बड़े ही सम्मान के साथ डॉक्टर राजीव डीडीसी मैम, नगर आयुक्त और साथ में हमारे मुख्य अतिथि के कर कमलों से आपको यहां सम्मानित किया जाए। इसके बाद आपको यहां सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां इनके लिए। इसके बाद श्रीमती मुन्नी कुमारी एएनएम प्राथमिक लिए आपको यहां सम्मानित किया जा रहा है। संस्थागत प्रसव कर अभ्यर्थक आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती 22 में पलामू जिला में प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया है, जिसके लिए आपको मुख्य अतिथि हमारे सभी गणमान्य अतिथियों के कर कमलों से सम्मानित किया जा रहा है। जयजी सर के हाथों इन्हें ये पुरस्कृत किया जा रहा है। जोरदार तालियां इस बालक के लिए। होनहारों में आपने जिला में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रिया कुमारी के लिए जोरदार ताली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्रमिक योजना आश्रय गृह स्वच्छ भारत मिशन एवं कौशल परीक्षण आदि कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई है। इसके लिए कर कमलों से आपने सम्मानित किया जा रहा है। और हम उस पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ये इस बेहतर कार्य को किया है। ये लगातार पर्यावरण को सुरक्षित करने का संदेश हम सभी को देते आ रहे हैं। 2500 किलोमीटर साइकिल चला और मोहम्मद शाकिर आपने अपना बेहतर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही श्री नीलेश कुमार पांडे, सुश्री रामी गिंडो CHO W कार्यक्रम में बेहतर टीकाकरण हेतु आपको यहां सम्मानित किया जाए। पूनम देवी सहिया ग्रामीण क्षेत्र स्वास्थ्य में स्वास्थ्य पर आए हैं। गिरवर स्कूल NCC उसके प्लाटून कमांडर आ गया है। और नंबर 2 पर आए हैं महिला प्लाटून, किसी प्लाटून कमांडर है फिरदौस राज, आप भी आ गए। और नंबर 1 पर एक नंबर प्लाटून जैकेट, उनके प्लाटून कमांडर यहां आ गए। बेहतर प्रदर्शन के लिए और विगत 19 वर्षों से लगातार आप अपनी सेवा दे रहे नेतृत्वकर्ता संजय कुमार त्रिपाठी, साथ ही राजकीय बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय जो हमेशा राष्ट्रगान गाती है, जिनका नेतृत्व करते हैं पंकज देसाई। देसाई जी थोड़ा ऐसे होइए। सार्जेंट मेजर जो परेड कमांडर हैं और सार्जेंट जो 2IC हैं वो आज अपना सम्मान ग्रहण करेंगे पर परेड विसर्जन के बाद। अब जनरल 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 जन
हम स्वतंत्रता आंदोलन के वीर नायकों धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर, सिद्धो कान्हो, फूलो झानो, चांद भैरव, तिलका मांझी, जतरा भगत, सिंगी देई एवं सभी अन्य शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसी तिरंगे के नीचे हमने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, इसी तिरंगे के नीचे हमने देश को मजबूत बनाया है, आजाद रखा है, देश को आगे बढ़ाया है। जब हम स्वतंत्रता दिवस पर इस झंडे को लहराते हैं तो यह भारत की आजादी का प्रतीक है, भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है, हमारे भारत के हर हिंदुस्तानी की आजादी का प्रतीक है। आज स्वतंत्रता दिवस पर हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिनका नाम इतिहास में दब गया, छिप गया है, जो हमें मालूम नहीं है। हजारों लोग जिनकी कुर्बानियां इतिहास में खो गई, जो आजकल हमारे सामने नहीं है, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ा संघर्ष किया, तरह तरह की चुनौतियों का मुकाबला किया, भारत को आजाद करने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम ऐसी गाथाओं का लोगों के सामने ला रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे राष्ट्र नायकों को चेतना प्रेरित कर सके। अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर की इस भूमि ने भी आजादी की लड़ाई में आहुति दी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण जैसे कई बड़े नेताओं ने पलामू की धरती पर आजादी की अलख जगाई। अमर शहीद अस्फाकुल्ला खान ने फांसी के तख्तों को चूमने से पहले डाल्टनगंज में ही नाम बदलकर सरकारी नौकरी की। इस भूमि को फक्र है कि पलामू के लोगों ने बढ़ चढ़ कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। आज इन्हीं की कुर्बानियों संघर्षों का नतीजा है कि हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस बार हम हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से उन वीर बलिदानियों को याद कर रहे हैं। यह क्षण सचमुच भारत के गर्व का क्षण। कोयल एपरल पार्क चैनपुर पलामू तथा पलामू प्रमंडल के सखी मंडल की बहनों के द्वारा बड़ी संख्या में तिरंगे तैयार किए गए हैं, जिसके लिए वे सराहना के पात्र हैं। हम आज अपने देश को और आगे ले जाने के लिए संकल्प के साथ इस हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सरीके जश्न हो, यही कामना है। कम वर्षा होने के कारण पलामू प्रमंडल के किसान भाइयों को खरीफ की बुआई में परेशानी हुई है। प्रशासन हर दिन स्थिति का जायजा ले रहा है ताकि किसानों को मुसीबतों को कम किया जा सके। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत जरूरतमंद किसानों का निबंधन तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावे अस्थाई समाधान के लिए सिंचाई की अधिसंरचनाएं को मजबूत किए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। साथ ही जल संरक्षण के लिए कैच द रेन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गांवों, शहरी इलाकों के पुराने तालाबों, पोखरों, आहर बांध का जीर्णोद्धार एवं नए तालाबों, चेक डैमों के निर्माण के लिए अमृत सरोवर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से इसके लिए नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना कार्यान्वित की जा रही है। आज नए बनाए गए जल संग्रह इकाइयों पर स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, सराहनीय कार्यों के लिए पुरस्कृत व्यक्तियों या स्थानीय जन प्रतिनिधियों के द्वारा तिरंगा फहराया जाएगा। आप सभी से मेरी अपील है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने अपने घरों
प्रतिष्ठानों में वाटर रिचार्ज पिट अवश्य लगवाएं। इससे भूजल का स्तर अच्छा होगा और पेयजल की संकट भविष्य में नहीं होगी। वर्तमान में जल स्तर का नीचे होना, वर्षा में कमी, नदी तालाबों का सूखना चिंता का विषय हो गया है। किसान भाइयों से मेरी अपील है कि खेत के पानी को खेत में ही रहने के लिए पूरा प्रयास करें। अधिक से अधिक बोरा बांध अपने अपने गांव के जोरिया पर बनाएं। बोरे में बालू, मोरम अथवा महीन गिट्टी पत्थरों के चूर तथा स्टोन डस्ट भरकर जोरिए में रखने मात्र से ही बोरा बांध बन जाता है तथा पानी का जमाव जोरिए में हो जाएगा, जिससे पंपिंग सेट लगाकर खेतों में भी पटवन हो सकती है और आपको खेती किसानी में सुविधा होगी। इससे फसल को लाइफ सेविंग सिंचाई भी दिया जा सकता है। अप्रैल से लेकर अभी तक करीब 50% वर्षा में कमी देखी गई है। यह कमी धान के रोपनी के लिए उपयुक्त नहीं है। अगस्त माह में मानसून में कुछ परिवर्तन देखा जा रहा है, परंतु वास्तविक वर्षा की स्थिति अपर्याप्त है। वर्तमान परिस्थिति में मिट्टी में नमी को देखते हुए दलहन, तेलहन, मक्के एवं मोटे अनाज की खेती हो सकती है। धान की सीधी बुआई के माध्यम से खेती निचले मध्यम जमीन में हो सकता है। जिला स्तर पर वैकल्पिक फसल योजना तैयार कर विभाग में बीज आदि की मांग की गई है। जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक प्रत्येक मंगलवार को की जा रही है, ताकि कृषि क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति की चुनौतियों का सामना करने में किसानों को मदद किया जा सके। रोजगार परक योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी जोर देने का निर्देश दिया गया, ताकि रोजगार की कमी ना हो। सभी विभागों में कृषि परक योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी बल देने का निर्देश दिया गया। सभी आत्मा कर्मियों को किसानों को उचित सलाह देने हेतु किसानों की गोष्ठी करने का निर्देश दिया गया। आशा है अगस्त माह में अपेक्षित वर्षा होगी, जिससे किसान अपनी खेती को आगे बढ़ा पाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अंतर्गत पलामू प्रमंडल में करीब 7 लाख परिवारों को प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति सदस्य खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। 90,000 से अधिक अंत्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न, नमक, किरासन तेल 1 रुपये की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति सदस्य की दर से निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा पीटीजी डाकिया योजना के तहत पलामू प्रमंडल के सारे 16,000 से अधिक आदिम जनजातियों के परिवारों को उनके घर तक 35 किलोग्राम खाद्यान्न का पैकेट, अन्य खाद्य सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही है। पलामू प्रमंडल के 3 जिलों में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत पूरी तत्परता से लाभुकों को अनाज ससमय मुहैया कराया जा रहा है। इसके कई अच्छे परिणाम भी सामने आए। हमारी कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति अनाज की कमी से भूखा ना रहे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्थानीय तौर पर जो भी विसंगतियां हैं उन्हें तुरंत दूर करने को कहा गया। यदि कोई संपन्न व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं तो तत्काल अपने कार्ड को सरेंडर कर दें, ताकि योग्य लाभुकों को उनका वाजिब हक मिलने में कोई परेशानी नहीं हो। आप सबको जानकारी है, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हरेक जरूरतमंद आदमी को लाने के लिए सर्वजन पेंशन योजना लागू है, जिसमें बिना परेशानी, बगैर किसी भेदभाव के सभी योग्य लाभुकों को पेंशन की राशि का भुगतान हर माह किया जा रहा। इस योजना के तहत पलामू प्रमंडल में 4 लाख से अधिक लाभुकों को 1,000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा। इस योजना के तहत गढ़वा जिले में 14,500 से अधिक और पलामू में करीब 2.5 लाख नए लोगों को आच्छादित किया गया। समाज के शिक्षित बौद्धिक लोगों एवं नव निर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायत राज के प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए मेरा आग्रह है कि हरेक जरूरतमंद योग लाभुकों को
खाद्य सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं एवं सर्वजन पेंशन योजना से आच्छादित कराएं ताकि लक्षित समुदाय को इनका फायदा समय से मिले। प्रमंडल के आमजनों की शिकायतों का त्वरित निष्पादन के लिए प्रशासन गंभीर है। हमारी कोशिश है आम लोगों को अपने छोटे मोटे कामों के कारण अनावश्यक सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना पड़े। इसके लिए व्यवस्था की गई है कि हर एक मंगलवार को पूरे प्रमंडल के हर विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी अपने कार्यालयों में उपस्थित होकर आम जनों की शिकायत सुनेंगे, समयबद्ध रूप से उसका निपटारा करेंगे। जिला मुख्यालय के साथ साथ अब प्रत्येक प्रखंड अंचल मुख्यालय में नियमित रूप से जनता दरबार आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही जमीन संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए अंचल कार्यालय एवं स्थानीय थाना के समन्वय से थाना दिवस का आयोजन भी किया जा रहा है ताकि आम जनों को परेशानियों से तुरंत राहत मिल सके। इससे जमीन से जुड़े अपराध में कमी आएगी और गांव के लोग शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों के निरीक्षण की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया। वरीय पदाधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं। मुझे विश्वास है इससे क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य प्रणाली में अपेक्षित सुधार होगा तथा स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सड़कों के क्षेत्र में इस प्रमंडल में तेजी से काम हो रहा। राष्ट्रीय उच्च पथ 75 एवं 98 के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया एवं रैयतों को मुआवजा दिलाने में तत्परता बरतने के लिए पलामू एवं गढ़वा जिले एवं पूरी टीम को और उस जिले के उपायुक्त भी धन्यवाद के पात्र हैं। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 75 में गढ़वा रेहला बाईपास का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा। वहीं राष्ट्र उच्च पथ 98 का काम भी शुरू है। आने वाले दिनों में क्षेत्र के लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी तथा लोग कम समय में एक जगह से दूसरी जगह त्वरित गति से जा पाएंगे। मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का भवन बनकर तैयार है। प्रयास है शीघ्र ही यहाँ के छात्रों के अध्ययन एवं शोध को बेहतर व्यवस्था हो। साथ ही पलामू प्रमंडल के लोगों के लिए मानक चिकित्सा सुविधा स्थानीय तौर पर सुलभ हो सके। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का भवन भी अब पूर्णता के करीब है। सभी संबंधियों संबंधितों से मेरी अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन को जल्द कार्यशील किए जाएं ताकि स्थानीय तौर पर सुसज्जित भवन आधुनिक सुविधा के साथ उच्च शिक्षा क्षेत्र में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में सफल हो। पलामू प्रमंडल ने श्वेत क्रांति की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। पलामू के गन के गांव में करीब 28 करोड़ की लागत से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 50,000 लीटर दूध प्रोसेसिंग की है। यहां से दूध दही लस्सी घी की पैकेजिंग होगी और इसकी शुरुआत होने वाली। इससे पलामू में स्थानीय तौर पर रोजगार सृजन होगा। साथ ही करीब 25,000 से अधिक पशुपालक किसानों को इसका फायदा होगा। हमें ध्यान रखना है कि अभी भी कोविड-19 का खतरा टला नहीं है। बहुत लोगों ने कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया। वहीं बूस्टर डोज भी बहुत लोगों को दिए जाने हैं। नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि सभी बचे हुए लोगों को शीघ्र वैक्सीन का डोज दिया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के लोग इस दिशा में सक्रिय हैं। यदि आपके आस पड़ोस परिवार में कोई भी व्यक्ति नियमित या बूस्टर डोज से अछूता है तो सौसमय रहते हुए उन्हें वैक्सीन का डोज दिलवाएं, आसपास में सफाई रखें तथा यथासंभव कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। राष्ट्रमंडल के खेलों में उम्दा प्रदर्शन करने वाले झारखंड के सभी खिलाड़ियों को मैं अपनी ओर से तथा पलामू प्रमंडल के सभी वासियों की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको एक बार फिर आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर मुबारक देते हुए शुभकामनाएं देता हूं कि स्वतंत्र भारत का यह साल हम सब के लिए सुखदायी हो, सब के लिए अच्छा साबित हो
और पलामू प्रमंडल की उन्नति के सोपान को आगे बढ़ाए और देश राज्य में को परवान चढ़ाए। मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाने में और प्रशासन को अपने दायित्व को निभाने में सरकार की सहायता करेंगे। आप कदापि यह नहीं भूलें कि समाज और सरकार अलग नहीं है। हम सभी मिलकर अपने अपने कर्तव्य और जवाबदेही के साथ काम करें, यही शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभी को पुनः शुभकामनाएं। जय झारखंड, जय भारत, धन्यवाद, जोहार। वो बदलते मौसम के बीच स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पुलिस लाइन में संपन्न हुई।